मैंने आपकी मिसेज की रिपोर्ट्स देख ली हैं और आपकी मिसेज प्रेग्नेंट है। बस इन दिनों में लेडीज़ ज़रा हसास हो जाती हैं, बस इनका ख्याल रखा करें, इन्हें खुश रखा करें, परेशान मत होने दिया करें और कोई टेंशन ना लेने दें। और मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था, उसे तकलीफ दे रहा था, रुला रहा था, दुखी कर रहा था। लानत है मुझ पर। सारा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ, तुम्हारी आज की प्लानिंग जो कामयाब हो गई होगी। ऐसा ही समझ लो, प्लानिंग कामयाब हो गई है। सारा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए खुशखबरी हो वो दूसरों के लिए बुरी खबर हो। अरे यार सारा, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम जाना नहीं चाहोगे, खुशखबरी है क्या? बोलो। सारा, सारा मैं मां बनने वाला हूं। मेरा मतलब है तुम बाप बने। अरे यार यार सारा, तुम मां बनने वाली हो। आओ बच के, आज फिर लेट हो जाऊंगा। सारा उठो। तुम ऑफिस जा रहे हो? जाहिर सी बात है, और कितने दिन इस तरह घर रुकूंगा? और अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो? हाँ तुम्हारी बात भी सही है, कल रात को भी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे। अच्छा तो मत जाना ऑफिस। ऐसे नहीं हो सकता ज़ारा, तुम्हें नहीं पता मेरा वर्क बहुत खड़ूस है। आइडिया, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एक फुल टाइम मेड हायर कर लेते हैं। तुम अफोर्ड कर लोगे मेड? अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैनेज कर लूंगा ना। तो तब तक मैं क्या करूंगी? तो हम ऐसा करते हैं, जब तक हमारे पास मेड नहीं आ जाती ना, तब तक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें अम्मी और दादी के पास छोड़ जाया करूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझसे भी उनके ताने सुने जाते हैं रोजाना रोजाना। अगर ऐसी बात है घर से क्यों निकाला था? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मां बनने वाली हो तो अपनी सारी नाराजगियां दूर कर देंगी ना। उन्हें बताएगा कौन? तुम कैसी बातें कर रही हो जारा, मैंने तो सोचा था कि हम आज ही उन्हें खुशखबरी दे देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर उनकी बुरी नजर लगी हमारे बच्चे को तो? सारा, ये मेरी अम्मी और दादी हैं, वो हमारे बच्चे पे बुरी नजर क्यों लगाएंगी? तुम भी तो उनके इकलौते बेटे थे ना, अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल सकते हमारे बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यार वो दर अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, हम उन्हें नहीं बताएंगे। कहां पे थे तुम? घर गया था। कमाल है, मेरी यहां पे तबीयत खराब थी और तुम अपने मैके जाके बैठे हुए थे। मैके? जरूर उन्होंने तुम्हें बुलाया होगा ताकि मैं यहाँ पे अकेली बैठी रहूं। नहीं नहीं जारा, मैं खुद गया था, वो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। जानती हूँ मैं, वहाँ पे किसकी कितनी तबीयत खराब थी, पता नहीं क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाती रही होंगी तुम्हें। नहीं जारा, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खुद गया था, बल्कि दादी तो मुझे बार बार वहाँ से निकलने का कह रही थी। और तुम वहाँ पे बेशर्मों की तरह बैठे रहे, हद है वैसे। और सुनो, तुमने क्यों उन्हें वो खबर तो नहीं दे दी? नहीं जारा, मौका नहीं मिला। वैसे बताना तो वही क्या था? शुक्र है नहीं बताई, वरना तुम्हारी चाची और पुप्पी तो मेरे बहुत ही खिलाफ है। सुनो, अगर तुम अब मेरी इजाजत के बगैर वहां गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सारा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। प्लीज थोड़ा खा लो। ऑन,
पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम वहां कभी नहीं जाओगे, अब मेरी इजाजत के बिना तो कभी भी नहीं। ओके, पर तुम प्लीज खा तो लो। अच्छा, अब तुम मेरे अकेले रहने की फिक्र मत करना। और आज वो डैडी आए थे, वो हमें साथ ले जाएंगे अपने घर। क्या हम उनके पास रहेंगे? क्यों, उधर जाने में क्या है? मुझसे पूछ तो लिया होता जारा। तुम्हारा जवाब क्या मुझसे मुख्तलिफ होता? उन सारा, मैं घरदामाद बनने को तैयार नहीं हूं। मैं भी तो घर बहू बनी थी ना, और मुझे यहां नहीं रहना। वैसे मेरा तेरी शक्ल देखने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मेरा इस वक्त खुद अपनी शक्ल देखने का जी नहीं चाह रहा। क्या करने निकला था और क्या कर बैठा। तेरे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। तेरे करतूतों की वजह से शहना भी निकल गई। वो समझती कि मुझे सारी बुरी आदतें तेरी वजह से लगी हैं। एक सेकंड, ये शहना को मेरी करतूतों के बारे में कैसे पता चला? तेरी खबासत किसी तारुफ की मोहताज है? मंजर देख, तूने तूने शहना को कुछ बता तो नहीं दिया ना? देख, वो सारा की सबसे अच्छी दोस्त है, वो उसे सब कुछ बता देगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन अभी भी वक्त है, भाभी को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। यही तमाम मसाइल का हल है। हाँ, मगर मुंह से कैसे बताऊं? लिखकर बता दे। एक ही बात है, मैं जाकर बताऊं? नहीं, तू किसी को कुछ भी मत बताना, मुझे तेरा कोई एतबार नहीं है। देख ऑन, भाभी कंडीशन पहले ही बहुत सीरियस है, उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दे, वो हंसी खुशी वापस घर चली जाएंगी। और रही बात अम्मी और दादी की, बच्चे की खबर का सुन के उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। साहिर है, आप दोनों से ही मिलने आया हूँ। इतना उदास हो गया था मैं। इतनी फिक्र थी दासी की तो ना जाते। आप रोक लेती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे और जारा के दरमियान कोई झगड़ा हो। देखो उन पुत्र, इज्जत के साथ चला गया ना, तो अब आराम से उधर घर बैठ। पता है मुझे, जब यहाँ से जाएगा ना तो रज रज के तेरी बिस्ती करेगी। नहीं दादी, दरअसल जारा तो कमाल है, अब वो जारा जी नहीं रही। मियाँ मेरी पूरी बात तो सुन ले। पुत्र, अब केड़ी बात रह गई है जो सुनने वाली है? सारा की तबीयत बहुत खराब है, उसे आप दोनों की बहुत जरूरत है। लीजिए अम्मा, अब इनकी भी सुन लीजिए, अब हम जाकर उनकी अयादत करें, उनकी तीमारदारी करें। अच्छे पुत्र, एक गलत दास मुझे, दादी तेरी इतने दिनों से बीमार है, उसको तो तौफीक नहीं हुई कि आके मुझे पूछ जाए। अब हम बुजुर्ग जाके उसकी खिदमतें करें। वाह काका वाह। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप दोनों वहां जाएं? मैं जारा को लेकर यहाँ आ जाता हूँ ना। बहुत खूब, अपनी तीमारदारी करवाने के लिए हमारा मेहमान बनना मंजूर है, लेकिन हमारे साथ रहना गवारा नहीं था। डॉक्टर ने कहा है कि उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अम्मी अपनी सारा जी का ख्याल रखना उठ बैठ के। ये आजकल के डॉक्टर अम्मा पागल बनाती है लोगों को, औरतों को तो सर पर चढ़ा कर रखा है ये बिना वजह के मशवरे दे देकर आराम करने के। बेकार के नखरे और चोंच ले। बिल्कुल सही कहा आपने, बेकार के नखरे पाल रखे आजकल की बीवियों ने। आखिर हमारी फैमिली में भी तो कितनी बहुएं थी, अम्मी आप, दादी आप, फुप्पो भी, लेकिन आप लोगों के तो कोई नखरे नहीं थे ना। बच्चा तो अब हर किसी का होता है, लेकिन ये फजूल के नखरे, ऊपर से डॉक्टर, ख्याल रखो उसका, डिप्रेशन में ना जाने दो, जोकर का आउटफिट पहन के उसके सामने नाचूं क्या? आप क्या कह रहे हो ऑन? खैर से आपकी ये नखरीली सरियल बहू ना, उम्मीद से हैं। बिस्मिल्लाह, पहले ही मिजाज साथ में आसमान में पहुंचे हैं, अब न जाने क्या हाल होगा। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, खासतौर पर आपने अम्मी। अब मैं उसकी हर ड्रामेबाजी से होशियार रहूंगा। ये जो लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी, बीमारी के ढोंग रचाती है ना, किसी और के सामने जाके रचाए। तुम इसे ढोंग कह रहे हो? मैं भी सोचती थी कि कुड़ी की इतनी अवसाद क्यों रहती है। अम्मा मैं भी अक्कल की अंधी हूँ, मुझे तो समझ आना चाहिए था कि इन हालात में लड़कियां बिला वजह चिड़चिड़ी हो जाती हैं। और आपको निगत को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्यों इतनी बेजार बेजार फिरती है। तभी उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था,
हम समझे ही नहीं। अरे घोर गल भी हुसना, मैंने देखा था कि उसकी भूख भी मार गई है, वो इतना सा तो खाती थी। अम्मा हमने कितना बुरा किया, अपनी नाराजगियां दिखा दिखा कर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम चाहते हैं वो अलग हो जाए। हमें तो उसे और भी तवज्जो और प्यार देने की जरूरत थी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है जारा? सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना? घर वाले हमारे बच्चे की खबर सुनके सब कुछ भुला के हमें लेने आ रहे हैं। वो सब कुछ भुला के नहीं आ रहे, वो इस खुशी की खबर सुनके सब कुछ इग्नोर करके यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं इस इल्जाम को अपने सर पे क्यों लूं जो मैंने किया ही नहीं है? सारा तुम एक बार साथ तो चलो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बता दूंगा उन्हें। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी और जब तक तुम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करोगे और मुझे इस बारे में यकीन नहीं दिलाओगे कि तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। सारा आखिर तुम्हें मेरा एतबार कब आएगा? मैं बता तो रहा हूँ कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ। देखो ऑन, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी की बात नहीं है। तुम एक बेटे भी हो और तुम्हें हर रिश्ते की जिम्मेदारी वैसे ही निभानी जिस तरह तुम मेरी और अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, ताकि सबको तुम पे फख्र हो जिस तरह मुझे तुम पे है। करोगे? अम्मा ऑन ने हामी भर ली ना, तो जाकर सुबह सुबह जारा को ले आएंगे। लेकिन अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? वो जिन हालात में घर से गई है ना, उसने कोई नहीं आना। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा कि ऐसी हालत में लड़कियां तीखे मिजाज की जरूर हो जाती हैं, चिड़चिड़ी और तन्हाई पसंद भी हो जाती है, मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि मियां को लेकर ससुराल से अलग हो जाए। उसे जरूर हमसे भी शिकायतें होंगी। अबे बच्चे का सुन के हमारा मसला ना, उसका तो नहीं मसला ना। हम तो सब कुछ भुलाकर उसे गले लगाकर वापस घर लाने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर उसका क्या पता? वो आएगी भाभी, मैं गारंटी देती हूँ। नहीं निगत, हम सुबह जाएंगे जरूर, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे उसका मिजाज फिर से बिगड़ जाए। खुदा का वास्ता है भाभी, मुझे तो लगता है आप बंती बात को बिगाड़ देंगी। निगो रहन दे, वो आएगी घर में, वही फसाद, वही झगड़े, वही किलकिल, उसका मिजाज बहुत टेढ़ा है। उसके कोई नहीं मिजाज टेढ़े, ना उसने किलकिल की थी और ना करेगी। ये जो सारा ड्रामा रचाया हुआ है, हमारे ऑन का रचाया हुआ है। क्या मतलब? मुझसे जारा ने वादा लिया हुआ था कि मैं तब तक आप लोगों को कोई बात ना बताऊं जब तक कौन खुद अपने मुंह से नहीं कबूल करता, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जाता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों इस ड्रामे की कोई हैप्पी एंडिंग होने देंगे। ये केड़ा ड्रामा? ए ओई ड्रामा अम्मा, ये हमारे अपने ऑन का रचाया हुआ है। हे? जी क्या कह रही हो, खुलकर बात करो। देखे जारा यहां आना चाहती है। आना चाहती तो गई क्यों थी? गलती हो गई ना, लेकिन अब तो आना चाहती है। क्या मतलब गलती हो गई? उसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ अपने इस ऑन का किया हुआ है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हम भला तो उसे दूर रह सकते थे? मैं तो तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगी और मैं देखती हूँ क्या कौन बोलता है। जी दादी मैं जरूर चलूंगी। लेकिन और ने कुछ बताना आप लोगों को? बातें तो होती रहेंगी निकट, हम विल्सन का सामान क्यों ना बांध दें, देर हो जाएगी वरना। हाँ तो तुम जाओ ना, दोनों सामान पैक करो, मैं तो अपनी जारा को रानी बना के तख्त पे बिठाऊंगी। आप दोनों को पता ही नहीं है ये चलने के लिए इतनी बेताब है कि सारा सामान पहले ही पैक कर दिया है। ऑन शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। वो दरअसल
मैंने बताना था कि घर में सबके दरमियान टाइम है, छेती तैयार हो तो चलो। तो बात में बहुत वक्त आया करते हो, जल्दी से मिठाई का ऑर्डर देकर आओ, मैं सबसे पहले मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। जी मैं भी लाया। अम्मा आप छोटा मोटा सामान तो बांध सकती है ना, बाकी भी हम निकल कर लेंगे। तुसी जाओ दोनों सामान पैक करो, मैं अपने ज़ारा के नाल गल्ला करांगी। चलो जाओ दोनों जाओ। सारा मेरी बात सुनो, सारा क्या हो गया, जो हो रहा है उसे होने दो। नहीं पप्पू, मैं चाहती हूँ कि अम्मी और दादी को उनकी हकीकत का पता चले। वो दोनों जानती है कि बेवकूफियां और ने की, ये सब कुछ जानती है, लेकिन मुझे तो उनकी बिहेवियर से कहीं से नहीं पता चल रहा था। जाहिर है उन्हें दुख हुआ है, वो नहीं चाहती कि ओन जो हमेशा से लाड उठाता था, नखरे दिखाता था, उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाए और वो माफी मांगे। दोनों के लिए काफी है कि ओन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे सुधारना चाहता है। समझो इस बात को, बस आ जाओ। हुसना तू रोज रात को ना बादामों वाला दूध बना के जारा को पिलाएगी और इसके हाथों पैरों की मालिश करेगी। मैंने भी पीना है बादाम वाला दूध। हाँ हो अगे ये दिमाग जो है शैतान का चरखा, ऊपर से बादामों वाला दूध पिला के हमारे हाथ से तो गया तू। तुम फिलहाल ये चमचम खाओ जो तुम्हें पसंद है। लो। हेलो, हाँ बोलो मंजर। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाँ मैं भी सबको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़। किसको मुबारक दे रहे हो? मंजर को, उसकी और शैना की बात पक्की हो गई है। अरे वाह मुबारक बात, खुशी की बात है ये तो। शुक्र है मंजर की भी किस्मत खुली। पोते के आने के बाद पोते का नंबर तो नहीं कम हो जाएगा दादी? तो मेरी जिंदगी है, तो तुम मेरी जान है। वो जो हमें जा रहा था दादा, उसने भी किसी को हाथ मारा, मैं बता रहा था तेरे जी। अस्सलाम वालेकुम अप्पू जी, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं आपका बेटा, मगर मेरा दिल अभी तक इतना पत्थर नहीं हुआ जितना आपका हुआ। ऑन नहीं, मैं कोई बदतमीजी आपको साफी नहीं कर रहा हूँ अप्पू, हकीकती तो बता रहा हूँ आपको। आप कौन से फराइज और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? अम्मी पिछले 22 सालों से आपके नाम पे बैठी हैं, मैंने होश संभालने के बाद एक मरतबा भी आपका चेहरा नहीं देखा। हमारी हर खुशी हर गम में आप कभी शामिल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं, हर महीने बस एक बैंक ड्राफ्ट भेजने से आपके फराइज पूरे हो गए? और खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबू, लेकिन अब हमें आपके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल बनूंगा। अगर आपने फैमिली के लिए कुछ करना ही है ना, तो खुदा के वास्ते अपने और इनके रिश्ते का लिहाज करें, वरना ये बेनाम रिश्ता ही तोड़ दें। खुदा हाफिज़। तुमने क्या किया? अम्मी, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकूंगा? हुस्ना, ये शुक्र कर तेरा पुत्र जवान हो गया, अल्लाह की जिंदगी करे।
क्या लगा रही हो? दादी ने कहा था मैं सुबह शाम इनको देखूंगी ना तो हमारा बेबी भी क्यूट होगा। तो मेरे बचपन की तस्वीर लगानी थी ना, मेरे से ज्यादा क्यूट बेबी कोई हो सकता है? तुम्हारी शेखियां मानी की आदत नहीं जा सकती। ऑन ये जगह क्यों खाली है? मैंने तो यहाँ बुकशेल्फ रखवाया था। हाँ वो मैंने उठवा दिया। क्यों? हाँ ना, एक वक्त में एक ही चीज रख सकती है ना। तुम कहीं फिर दोबारा वो मनहूस सोफा यहाँ लाने के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं मर जाऊंगा लेकिन एक एक सेकंड और, यहाँ पे बेबी कॉट आएगा। ओ यानी अब फिर दोबारा हमारे बीच कोई आने वाला है? मुस्तकिल कबाब की हड्डी। खबरदार ऑन, जो मैंने बेबी के बारे में लफ्ज ही बोला तो। अच्छा सुनो सुनो, देखो अम्मी और दादी तो वैसे सारा दिन बोर होती रहती हैं। हम ऐसा करेंगे, बेबी को उनके हवाले कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं काफी है ना। तारा।